हेलो दोस्तों, क्लोथ 3D की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अटायरेशन की मुस्कान बंसल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सारे शेप्स जान के बारे में जानेंगे, तो हम पहले 2D मोड में चलते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन, इस पे डेटा क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। पॉलीगन, तो देखते हैं हम किस किस तरीके से पॉलीगन बना सकते हैं। पहले एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे साथ में आपकी मेजरमेंट शो हो रही है, इस तरीके से आप क्लिक कीजिए। हम एक और ये पिंक लाइन जो होती है, ये हमें शो करती है कि ये स्ट्रेट है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। देखिए अब ये केवल एंगल्स में मूव करेगी, 90, 45, 0, 90, 45, 0, इस तरीके से ये रोटेट करेंगे। अगर आप शिफ्ट रिलीज कर देंगे और फिर घुमाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगी। पर जब भी ये पिंक लाइन दिखे मतलब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, जैसे ये और ये, इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये इसका मतलब है अब हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये दोनों लाइन सेम हो, 7.324, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, राइट क्लिक और डालूंगी 7.324 और ओके। उसके बाद इसको एंड कर देंगे जस्ट एक लेफ्ट क्लिक से। ये हमारी शेप हो गई है रेडी। ये हमारा पहला तरीका है किसी भी शेप को बनाने का। ये देखिए व्हाइट हो गया है, मतलब ये हमारे 3D पैनल पे आ चुका होगा। इसी तरीके से इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप पॉलीगन में जब भी आप चाहेंगे तो या तो आप क्लिक करके बना सकते हैं शेप, या आप लेफ्ट क्लिक करने की जगह राइट क्लिक कीजिए और आपको पॉइंट्स में ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको उसको कितना लंबा बनाना है। इस तरीके से अब ये है 19 इंच की लाइन। हम मिरर क्रिएशन भी कर सकते हैं। चलिए मिरर क्रिएशन देखते हैं कैसे होती है। कंट्रोल जेड से आपके सारे स्टेप बैक्स हो जाएंगे। अब ये जो सेंटर लाइन है हम यहाँ से बनाते हैं और देंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के साथ हम ऑन कर देंगे मिरर क्रिएशन। देखिए इससे क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लोकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आपको कोई भी शेप बनानी है, पैटर्न बनाना है और उसको सिमेट्रिकल बनाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से बनाते हुए अब ये शेप कोई बनेगी। जैसे अब मान लीजिए हमने कोई, ये स्लोप हो गया, ये आर्म होल की डेप्थ, ये हमारी चेस्ट के लिए, ये हो गया हमारा हिप का एरिया और ये हमारा हो गया स्ट्रेट। शिफ्ट दबाइए और ये दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे और ये जॉइन, ये वाइट हो गया है, मतलब हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। ए दबाइए, इसको रिसाइज करना है तो शिफ्ट के साथ दबाते हुए हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए जितना मर्जी चाहे रिसाइज कर लिया। अब हम बनाते हैं, इसको साइड में रख देते हैं और हम बनाते हैं नेक्स्ट टूल से रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल की मैंने आपको पहले भी दो वेरिएशन बताई थी, हम फिर से देख लेते हैं। या तो हम लेफ्ट क्लिक करके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या हम राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें मेजरमेंट दे सकते हैं। मेजरमेंट हम मान लेते हैं 5 बाय 5 का रख लेते हैं। और साथ ही साथ अब इसमें देखिए इंटरवल, हम चाहे तो ऐसे सेम रेक्टेंगल्स हम और बना सकते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो हम और बना सकते हैं। तो हम ये जितना मर्जी चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं और हम इनका एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 45 डिग्री एंगल पे चाहिए, तो अब ये सारे 45 डिग्री एंगल पे अलाइन है और इन सब के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 7.5 इंची है।
हम इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। मैंने 10 कर दिया तो उसके बीच के जो हमारा स्क्वायर है उसमें डिस्टेंस चेंज हो गया है इस तरीके से। और हम फिलहाल ज़्यादा नहीं रखते, हम 5 रख लेते हैं और ये ओके। ए दबाइए, सारे सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए, हम चाहे तो इसको इस पे भी रख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, ये रहा, इसको शिफ्ट दबाइए और ये 45 डिग्री एंगल पे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, एलिप्स टूल। हम चाहे तो स्क्वायर बना सकते हैं, एलिप्स आपको शब्द को शेप पता होगी, मैंने क्लिक किया, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया है और ड्रैग किया है, ये हमारा एलिप्स बन गया। इस तरीके से अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगी तो ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके सारे जो कॉर्नर है उसमें सेम डिस्टेंस है और इसका रेडियस बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक ए सर्कल। ऐसे ही जैसे ही हमने स्क्वायर में बनाया था वैसे ही हम सर्कल भी बना सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायामीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस। हम जैसे भी चाहें हम अपने सर्कल या एलिप्स को बना सकते हैं, हमें जिस जो भी नॉलेज है हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर हमें डायामीटर के विड्थ पता है तो हम वो डाल देंगे, हमें हाइट पता है तो हम वो डाल देंगे। अभी एलिप्स बन गया है, अगर मैं इसको भी 10 कर दूंगी तो ये सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से रेडियस में चलते हैं, अगर मुझे रेडियस पता है लाइक 8 है या और उसकी हाइट 10 है तो फिर से ये एक एलिप्स बन गया है। और अगर मुझे सर्कमफेरेंस मतलब इसके बाहर का एरिया पता है तो मैं वो इसमें हम डाल सकते हैं, 10, 20, वट एवर आपकी जो भी वैल्यू होगी आप वो डाल सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा चाहे आप ना स्क्वायर या एलिप्स बना सकते हैं। और जैसे कि हमारे रेक्टेंगल में ऑप्शन था इंटरवल्स का, वैसे ही इसमें है। फिलहाल हम एक 10 की सर्कमफेरेंस का सर्कल बना लेते हैं और उसके बाद इंटरवल्स हैं, इसमें 15 इंचेस का इंटरवल दिया हुआ है और एंगल 90 है। तो हम केवल आपको एक आइडिया देने के लिए फिर से दिखा देते हैं कि कैसे होगा। और ओके, तो हमारे सर्कल्स आ गए हैं, प्रेस ए और हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी। इसी तरीके से उसके बाद हम नेक्स्ट टूल्स पे चलते हैं, जो है हमारे इंटरनल पॉलीगन टूल्स। उनका केवल इतना सा कॉन्सेप्ट अलग है, यूज करना बिल्कुल सेम है, पर ये इंटरनली बनते हैं। जो हम कुछ शेप कट करनी है तो हम इससे बना सकते हैं, सारी चीजें सेम है, लाइक के स्क्वायर बना लिया या इस तरीके से बना लिया हमने। हमारे इसमें एक जो नई चीज आ जाती है वो आ जाती है पोजीशन, ये हमें सेंटर से अलाइन करने हैं या आउटलाइन से अलाइन करनी है। तो अगर हमें सेंटर से कितनी दूर रखना है हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं और आउटलाइन से कितना दूर रखना है हम वो दिखा सकते हैं, लाइक ये देखिए। और अगर सेंटर से करते हैं इसको हम 10 कर देते हैं तो ये सेंटर से राइट साइड में 10 इंचेस की तरफ है। और इस तरीके से हम अपने स्क्वायर, एलिप्स और सर्कल किसी को भी हम आराम से अलाइन कर सकते हैं, ओके दबा देते हैं। और हम आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं क्लो 3D की नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।